Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to do characteristics of normal distribution unit 1 block 3 of MPC 006 statistics in psychology. Friends, अभी तक हम normal distribution के बारे में बहुत पढ़ते आ रहे थे but उसके बारे में detail अभी तक नहीं बताया था. हमें बहुत सिंपल और बहुत सिंगल सेंटेंस में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की थी हमसे. इस चैप्टर में हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मेंशन हुआ था पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक मेथड की डेफिनेशंस में. पियर्सन कोएफिशिएंट जब हम निकालते थे तब हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन पढ़ी थी. आज हम जानेंगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली होता क्या है. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप मैथमेटिकली देखें तो ऐसा कर्व जो बेल शेप बनाता है लाइक दिस काइंड, थोड़ा सा यहाँ से और कर्वी. सो जो बेल शेप का ग्राफ बनता है वो उस तरह का जब ग्राफ बने तो हम उसको नॉर्मल कर्व मानते हैं. और अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन कोई सैंपल के ऊपर बनाया जाए तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन माना जाता है. इन्होंने यहाँ पे बताया है कि जो बेल शेप होती है वो सिमेट्रिकल होती है. सिमेट्रिकल मतलब अगर मैं यहाँ से इस कर्व को कट कर दूँ तो हाफ ऑफ द पोर्शन जो होगा इधर का वो एग्जैक्टली मिरर इमेज होगा इसका. मतलब कि ये दोनों ही आधे आधे बराबर होंगे. इस हाफ को उठाकर मैं इसके ऊपर रख दूँ तो ये एक जैसा दिखाई देगा. सो इस तरह के फिगर को हम सिमेट्रिकल कहते हैं. और दूसरा पॉइंट जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ज़रूरी है वो ये कि मीन मीडियन मोड तीनों की वैल्यू सेम आएगी अगर ये कर्व नॉर्मल है तो. बेल शेप कर्व को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के नाम से जानते हैं एंड नॉर्मल कर्व के नाम से भी जानते हैं. सो जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है इसकी जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो सेम आती है. सेंट्रल टेंडेंसी एक कॉमन नाम है मीन मीडियन मोड के लिए. सो आगे अगर हम देखें तो ये जो कर्व है नॉर्मल कर्व जो है उसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट सिग्मा होती है. इसका सिंबल ये होता है, इस तरह से दिखाते हैं. अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक. फ्रेंड्स, जैसे मैं हमेशा से बताती आ रही हूँ मेरे वीडियोस में, जहाँ जहाँ बुक में आपको स्टार मार्क दिखता है दैट मीन्स ये पहले एग्जाम में आ चुका है टॉपिक एंड यू नीड टू स्टडी इट वेरी वेल. सो क्वेश्चन अगर आएगा तो ऐसे ही बुक क्वेश्चन डायरेक्टली लिख देंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व. सो यू मस्ट नो व्हाट दे आर आस्किंग. सो हम अब पढ़ रहे हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है ये सिमेट्रिकल होता है. जैसे मैंने आपको बताया, अगर बीच से एक लाइन मार दी जाए, लाइन के इस तरफ का पोर्शन बिल्कुल वैसे ही दिखाई देगा जो इस तरफ का दिखाई देगा. इसको बोलते हैं हम सिमेट्रिकल. ये यूनिमॉडल होता है, यानी कि मैक्सिमम पॉइंट हमेशा ऊपर यहाँ पे होगा. मैक्सिमम पॉइंट एक ही पॉइंट होगा, बहुत सारे पॉइंट पे ये ऊंचाई नहीं लेगा, ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे ऊंचाई लेगा. सो उसको हम यूनिमॉडल कहते हैं. थर्ड पॉइंट है कि ऑर्डिनेट अकर्स एट द सेंटर. सो ये जो, इसका मतलब ये है कि इस कर्व में ये जो वाई एक्सिस की लाइन है, वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट कहते हैं. तो ये बिल्कुल सेंटर पे लाई करेगा. जो इस कर्व का सेंटर है वो वहाँ पे ऑर्डिनेट लाई करेगा, मैक्सिमम ऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ होगा. फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि नॉर्मल कर्व जो होता है ये एसिम्प्टोटिक होता है. एसिम्प्टोटिक मतलब ये दोनों साइड पहले तो कॉन्वेक्स रहेगा और फिर ये कॉन्केव होता जाता है. कॉन्केव मतलब अंदर गड्ढा होता जाता है. ये ऊपर उठा हुआ मतलब कॉन्वेक्स और ये नीचे गड्ढा जा रहा है यानी कि कॉन्केव. सो ये जब ये ऐसे मुड़ के जाता जाता है तो ये इन ये एक्स एक्सिस जो है मतलब हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उसके ये पैरेलल जाएगा, इसको टच नहीं करेगा. ये सीधे 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 जाता रहेगा, जाता जाएगा. इन्फिनिटी का साइन है ये. इन्फिनिटी मतलब एंडलेस, जो ख़त्म नहीं होता कभी. तो ये आगे आगे ऐसे ही बढ़ता जाएगा, इस तरह का ये कर्व बनाएगा. और ये इक्वल पॉइंट पे आके ही कॉन्केव बनाएगा. मतलब जितना पोर्शन इतना एरिया यहाँ पे कवर किया उतना एरिया यहाँ कवर करेगा एंड देन बेंड हो जाएगा. हाइट ऑफ द कर्व डिक्लाइंस सिमेट्रिकली. जैसे मैंने बताया, यहाँ जितना डिस्टेंस कवर किया है और यहाँ दूसरी साइड भी उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा एंड देन वो बेंड होएगा. फिर आगे थोड़ा डिस्टेंस कवर करके फिर आगे चेंज होगा. सो यानी कि ये कर्व जो है वो सिमेट्रिकली डिक्लाइन होता है. फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लक्स अकर एट
पॉइंट प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब कि जो चेंज जैसा मैंने बताया कुछ इक्वल डिस्टेंस, तो इक्वल डिस्टेंस को हम वन वन प्लस वन माइनस वन सिग्मा से बताते हैं, मतलब इतने डिस्टेंस के बाद ही इसमें वेरिएशन आएगा, कॉनकेव में ये जाएगा कर्व। टोटल परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ द नॉर्मल कर्व विद इन टू पॉइंट ऑफ इन्फ्लक्सेशन इज फिक्स्ड। अगेन वही सेम पॉइंट है, बस उनको थोड़ा सा ट्विस्ट किया है इन्होंने। इन्होंने ये बताया है कि यहाँ पे भी उतना ही एरिया होगा और दूसरी साइड भी उतना ही एरिया होगा कर्व का। तो अब ये एरिया बोल रहे हैं, पहले ये डिस्टेंस की बात कर रहे थे, हाइट की बात कर रहे थे, पॉइंट की बात कर रहे थे, हाइट पॉइंट, एंड यहाँ इन्होंने एरिया यूज़ कर लिया है। सो यहाँ देखिए, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों इक्वल है, ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, और मीन को हम जीरो पे ले रहे हैं, यानी नॉर्मल कर्व में हमेशा मीन जीरो ही होगी। सो इसके इधर और इसके इधर जो चेंज आ रहा है और जिस पॉइंट पे वो बेंड होता है उसको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लक्स कहते हैं। टोटल एरिया अंडर नॉर्मल कर्व मे बी ऑल्सो कंसिडर्ड 100% प्रोबेबिलिटी, यानी कि ये जो ये पूरा एरिया इस कर्व में आ रहा है, ये पूरा, इसको हम 100% प्रोबेबिलिटी में मान के चलेंगे, सो दैट हम परसेंटेज में इसको चेक कर सकें। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें हमें इन्होंने परसेंटेज के फॉर्म में दिया है, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो दिस ग्राफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल का वीडियो मैं आपको दूसरे वीडियो बना के बताऊंगी, समझाऊंगी इसके न्यूमेरिकल्स, सिंस अगर मैं इसी में ही बताने लगी तो ये वीडियो बहुत लंबा खिंच जाएगा और कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा उतना। सो आई वुड प्रेफर कि इस वीडियो में मैं आपका इस चैप्टर का थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करूंगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बताऊंगी। सो फ्रेंड्स, ये वाला बहुत पोर्शन इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए, ये सेंटर मीन का है, यहाँ माइनस सिग्मा वन सिग्मा है, यहाँ प्लस वन सिग्मा है। ये वाला एरिया 34.13% है, ये भी 34.13% है। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपको 68.26% मिलेगा, यहाँ माइनस वन सिग्मा से लेके प्लस वन सिग्मा के बीच में इतना परसेंट एरिया आता है। अगेन माइनस वन सिग्मा एंड माइनस टू सिग्मा के बीच में 13.59% आता है, सेम यहाँ पॉजिटिव वाले में भी। और जब यहाँ माइनस टू सिग्मा से लेके प्लस टू सिग्मा के बीच में एरिया कवर करेंगे तो 95.44% एरिया कवर हो जाता है। अगेन माइनस थ्री सिग्मा एंड प्लस थ्री सिग्मा के बीच में, यानी ये पूरा का पूरा इस लाइन से लेके इस लाइन तक, वो 99.73% एरिया कवर करता है ग्राफ का। सो ये फ्रेंड्स, मैं इसीलिए इतना डिटेल में बता रही हूँ क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में इंपॉर्टेंट है और यूज होने वाला है, दैट इज वाई। अब हम नाइन्थ पॉइंट पे आएंगे। नाइन्थ पॉइंट में ये बोल रहे हैं द नॉर्मल कर्व इज बाइलेटरल। बाइलेटरल मतलब कि 50% एरिया इस ग्राफ का इधर है एंड 50% इधर है। बाई मतलब टू, लेटरल मतलब सेक्शंस, तो दो बराबर सेक्शंस में ये डिवाइड होता है कर्व। लास्ट बता रहा है ये टेंथ पॉइंट, द नॉर्मल कर्व इज अ मैथमेटिकल मॉडल इन बिहेवियरल साइंसेज स्पेशली इन मेंटल मेजरमेंट। यानी कि बिहेवियरल साइंस एक फील्ड है जो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करता है, उसमें जो मेंटल मेजरमेंट है हम इस ग्राफ की हेल्प से लेते हैं। जो नॉर्मल मेंटल स्टेटस होगा वो नॉर्मल कर्व बनाएगा, जो एबनॉर्मल होगा वो स्क्यूनेस दिखाएगा। स्क्यूनेस क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे इस सेक्शन में, पहले हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरप्रिटेशन ऑफ नॉर्मल कर्व। नॉर्मल कर्व को पढ़ के आपको क्या समझ में आता है, आप नॉर्मल कर्व से क्या मतलब निकाल सकते हैं। नॉर्मल कर्व में ये इन्होंने पॉइंट वाइज दिया है, वेरी इजी, बट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू एवरी पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं द मेजर्ड ट्रेट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द यूनिवर्स। यानी कि हम ये मान के चलते हैं कि जो जिस ट्रेट मतलब कोई कैरेक्टरिस्टिक, कोई पर्टिकुलर क्वालिटी, उसको हम जब स्टडी करते हैं तो हम ये मान के चलेंगे कि वो जो ट्रेट है वो सबके अंदर है। जैसे कि मैं खाना खाने की हैबिट की बात करूं, खाना हर कोई इंसान खाता है तो दैट्स अ खाना खाने की हैबिट हो गई, सो उसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं। स्लीपिंग इज स्लीपिंग के ऊपर अगर मैं स्टडी करना चाहती हूँ तो ये सारे के सारे लोग सोते हैं, तो ये एक कॉमन ट्रेड माना जाएगा। लेकिन अगर हम अगेन एक डेथ एट चाइल्डहुड या अर्ली चाइल्ड अर्ली एज, सो वो एक ऐसी चीज़ है जो बहुत रेयर है, तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कवर नहीं हो सकती। सो ऐसे कुछ ट्रेट्स जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कवर होते हैं ये उसको बताता है ग्राफ।
फिर मोस्ट ऑफ द केसेस दैट इज इंडिविजुअल आर एवरेज इन द मेजर. तो जो नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल लोग जो है उसकी 68.26% वो रिप्रेजेंट करता है टोटल पॉपुलेशन का. ये एवरेज परसेंटेज है जो आनी आती है जब नॉर्मल कर्व होता है. और नॉर्मल से ज़्यादा इतना परसेंट लोग उस ग्राफ में लाई करेंगे, 15.87%. ऐसे ही नॉर्मल से कम 15.87% लाई करेंगे. देन जो टेस्ट है ये ट्रेट को बताता है. द टेस्ट विच इज़ यूज टू मेजर द ट्रेट इज़ गुड. और इस ग्राफ से हमें ये भी पता चलता है अगर उस पर्टिकुलर टेस्ट का ग्राफ इस तरह का बनता है, इसका मतलब ये है कि हमने टेस्ट सही यूज़ किया है स्टडी करने के लिए. सो ग्राफ हमें बहुत सारी चीज़ें बताता है. हम ये क्या पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि ग्राफ हमें क्या क्या चीज़ें इंडिकेट कर देता है. ग्राफ हमें ये सारी चीज़ें कि हम नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में, यूनिवर्स में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में पढ़ रहे हैं. ट्रेट एवरेज ट्रेट इतना माना जाएगा, एवरेज से कम वाले इतने माने जाएंगे और ज़्यादा वाले इतने माने जाएंगे. देन यूज टू ये जो टेस्ट यूज़ हुआ है इस ग्राफ के में वो अच्छा टेस्ट यूज़ हुआ है. फिर गुड डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब कि इस ग्राफ में हमें एवरेज, पुअर एंड हाई हर एक तरह के इंडिविजुअल की हम प्रॉपर्टी मेजर कर रहे हैं और सही से मेजर हो रही है. सबको हम अलग से बता पा रहे हैं कि इतना परसेंट कम पुअर है, इतना हाई एबिलिटी रखते हैं और इतने एवरेज है. फिर जो आइटम टेस्ट करेंगे जो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसका डिफिकल्टी लेवल पे. नेक्स्ट टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ, ये दैट मीन्स इसका यूसेज कहाँ कहाँ है, ये कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं. सो ये यूज़ होता है बायोलॉजिकल स्टैटिस्टिक्स में यूज़ होता है, जहाँ हमें सेक्स रेशियो इन बर्थ पे बताना होता है किसी कंट्री का ओवर ए नंबर ऑफ ईयर्स. या एंथ्रोपोमेट्रिकल डाटा में यूज़ होता है, एंथ्रोपोमेट्रिकल डाटा होता है जहाँ हम हाइट वेट ये सब मेजर करते हैं. साइकोलॉजिकल मेजरमेंट में भी यूज़ होता है. साइकोलॉजिकल मेजरमेंट के अलावा हम इसको यूज़ करते हैं एरर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन में, कहाँ कहाँ एरर होते हैं ऑब्जर्वेशन में. फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, फिजिकल साइंसेज, इनमें एरर्स होते हैं तो इसको हम मेज़र करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, चेक करने के लिए. दूसरा एक और जगह पे जहाँ ये यूज़ होता है वो होता है एजुकेशनल इवेल्युएशन में यूज़ होता है, एजुकेशनल रिसर्च में यूज़ होता है, जहाँ हम मैथमेटिकल मॉडल बना के चेक कर सकते हैं कि बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा है. नाउ वी वुड कम टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एप्लीकेशन और यूजेस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. हम कैसे कैसे इसको अप्लाई करते हैं. जैसे कि इन्होंने बताया हम परसेंटेज केसेस चेक कर सकते हैं, जो भी हमारे पास स्कोर्स हैं उस पर हम वो जो स्कोर के ऊपर या स्कोर के नीचे जो हैं उनके परसेंटेज केसेस हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस ग्राफ से. देखिए वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थी जो रियल लाइफ में यूज़ होता है, और ये बता रहे हैं कि हम इसको न्यूमेरिकली कैसे यूज़ कर सकते हैं. फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं लिमिट ऑफ स्कोर्स के लिए, परसेंटेज में हम उसे चेंज कर सकते हैं, हम परसेंटाइल रैंक बता सकते हैं इंडिविजुअल का कि किसी का हमें परसेंटेज पता है और हम ये पता लगाना चाहते हैं कि उसका क्लास में कितना रैंक होगा, वो भी हम इससे पता लगा सकते हैं. फिर हम इंडिविजुअल का परसेंटाइल रैंक से वैल्यू भी पता लगा सकते हैं, हम परसेंटाइल वैल्यू से परसेंटाइल रैंक भी पता लगा सकते हैं, दोनों चीज़ें कर सकते हैं. हम डिवाइड कर सकते हैं ग्रुप को सब ग्रुप्स में किसी पर्टिकुलर एबिलिटी के बेसिस पे, और उनको ग्रेड्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी ग्रेडिंग जो हम करते हैं उसमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं. और टू डिस्ट्रीब्यूशंस को कंपेयर करने के लिए कि वो कहाँ एक दूसरे में ओवरलैप कर रहे हैं वो हम पता लगा सकते हैं. देन डिफिकल्टी क्या है टेस्ट आइटम्स में, रिलेटिव डिफिकल्टी भी पता लगा सकते हैं हम. नाउ न्यूमेरिकल सेक्शन में ये फॉर्मूला हमारा यूज होने वाला है, जो मैं अभी नहीं आपको बताऊंगी क्योंकि न्यूमेरिकल जब मैं दूसरे वाले वीडियो में आपको बता समझाऊंगी तब मैं इस बारे में जिक्र करूंगी, वरना इट्स मेरली अ वेस्टेज ऑफ टाइम अगर मैं आपको अभी इस बारे में बताती हूँ. तो ये टॉपिक आई वुड लाइक टू स्किप फॉर अनदर वीडियो. अब हम इस चैप्टर के एंड सेक्शन में जा रहे हैं, जहाँ इन्होंने हमें थोड़ा और थ्योरेटिकल पोर्शन दिया है, जहाँ ये हमें बता रहे हैं डाइवर्जेंस इन नॉर्मेलिटी, यानी कि अगर नॉर्मल ग्राफ नहीं है तो वो कैसा ग्राफ दिखेगा.
नॉर्मल अगर ग्राफ नहीं है तो वो दो तरह के चीज़ें हो सकती हैं, एक स्क्यूनेस हो सकता है और एक कर्टोसिस हो सकता है। ये टॉपिक हम पहले भी इस सब्जेक्ट में पढ़ चुके हैं, जो बहुत कम सेक्शन था, विदाउट डायग्राम था। इसमें थोड़ा इन्होंने डायग्राम के साथ बताया है। जैसे स्क्यूनेस में अगर आप देखें तो स्क्यूनेस का मतलब होता है ग्राफ का एक तरफ से प्रेस हो जाना या दब जाना। ये जब नॉर्मल स्क्यूनेस हमारी मानी जाती है ज़ीरो, अगर कोई नॉर्मल कर्व है, और अगर ये नॉर्मल नहीं है तो ये दो तरह के स्क्यूनेस हो सकती है, एक नेगेटिव स्क्यूनेस और दूसरी पॉजिटिव स्क्यूनेस। जब नेगेटिव स्क्यूनेस होती है तो ये देखिए स्क्यूनेस ना लेफ्ट साइड में है, यानी दबाव जो है वो लेफ्ट साइड में है, और ज़्यादा ये जो पीक गई है वो राइट साइड में चली गई है। जब इस तरह का होगा तो यहाँ देखिए मीन जो है वो मीडियन से कम है और मोड सबसे ज़्यादा है, ये देखिए। इस नेगेटिव स्क्यूनेस में आप यही देखेंगे कि लेफ्ट साइड में डिप्रेशन है एंड राइट साइड में हाइट है, इस तरह के ग्राफ में। अगर आप पॉजिटिव स्क्यूनेस की बात करें तो देखिए लेफ्ट साइड में ये उठा हुआ है और स्क्यूनेस राइट साइड में है। इसमें अगर आप देखें, अगेन देखिए दोनों ग्राफ में ये चीज़ है कि दोनों में मोड बड़ा है लेकिन उसकी पोजीशन में फ़र्क है। यहाँ मोड जो था वो राइट साइड में है और यहाँ जो मोड था वो लेफ्ट साइड में है। अगर यहाँ पे आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं। ये इस तरह का हमें देखने के लिए मिलेगा। आई होप यू गॉट द आइडिया। हमें इतना समझ में आना होगा कि क्या ये बोल रहे हैं। अगेन कर्टोसिस, कर्टोसिस जो है, कर्टोसिस हमने पिछली बार भी पढ़ा था जिसमें ग्राफ नहीं दिया था इन्होंने, इसमें ग्राफ दिया हुआ है। तो वेन एवर यू स्टडी यू जस्ट ओपन दैट टॉपिक फ्रॉम दैट बुक एंड ये वाला टॉपिक, यहाँ से दोनों को मिक्स करके पढ़ेंगे तो आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन होगी। जहाँ से जो टॉपिक आपको ईजी लगता है यू कैन जस्ट मेक इट रेडी फ्रॉम दैट पोर्शन। इसमें अगर हम कर्टोसिस के बारे में बात करें तो ये कर्टोसिस थ्री टाइप्स के होते हैं। जो नॉर्मल वाला होता है उसको मीजोकर्टिक ग्राफ कहते हैं और इसकी वैल्यूज के यू से रिप्रेजेंट करते हैं 0.263। दूसरा जो ग्राफ होता है, जो एबनॉर्मल ग्राफ है, उसको बोलते हैं लेप्टोकर्टिक। लेप्टोकर्टिक उस तरह का ग्राफ होता है कि सपोज मैंने एक वायर लिया, ये सपोज ये वायर इस तरह से था, जो ये मीजोकर्टिक का लाइन है, अगर मैं इसे साइड से प्रेस कर दूँ तो ये ऊपर उठ जाएगा और साइड से दब जाएगा। इस तरह के ग्राफ को हम लैप्टोकर्टिक कहते हैं और इसकी KU की जो वैल्यू है वो 0.263 से कम होगी। प्लैटिकर्टिक ग्राफ वो ग्राफ होता है जिसमें अगर मैं ये मीजोकर्टिक ग्राफ को ऊपर से धक्का मारूं, दबाती जाऊं तो ये इस तरह का छोटा बन जाएगा और साइड से फैल जाएगा। इस तरह के ग्राफ को हम प्लैटिकर्टिक ग्राफ कहते हैं और KU की वैल्यू 0.263 से ज़्यादा आएगी। फ्रेंड्स, ये सारे इतने ही चीज़ें हैं इस टॉपिक में, बहुत इजी है। बस ये है कि इसमें थोड़ा न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दी हुई हैं, आपको थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे इस तरह के ग्राफ बना देते हैं, क्या कारण है जिस वजह से हमारे एबनॉर्मल ग्राफ बनेंगे, यानी लैप्टोकर्टिक या प्लैटिकर्टिक या नेगेटिव स्क्यूनेस या पॉजिटिव स्क्यूनेस, ये क्यों आते हैं। ये आ सकते हैं, नंबर वन, अगर आपने सैंपल छोटा लिया है या फिर सैंपल जो है वो बायस्ड है। आपने जेन्यूनली अगर सैंपल नहीं लिया तो इस तरह के ग्राफ बन सकते हैं। जैसे इन्होंने बताया है कि जो स्कोर है, अगर स्मॉल हमारा सैंपल है और होमोजीनियस है तो ये लैप्टोकर्टिक, मतलब ऐसा उठा हुआ ग्राफ बनाएगा, नुकीला। और अगर आपका सैंपल छोटा है और हाईली हिट्रोजीनियस है, मतलब लोग जो आपने वैरायटी ऑफ पीपल यू हैव एडेड, तो आपका जो ग्राफ है वो प्लैटिकर्टिक बनेगा। और अगर आपने एक ही जैसे लोग ले लिए सारे, सो वो लैप्टोकर्टिक बनाएगा। और कंडीशन देखो दोनों में सेम है कि हमारा सैंपल छोटा होगा। सैंपल छोटा होने से 100% फ्लॉ आएंगे ही आएंगे। सेकेंड जो रीज़न है क्यों हमारा ये ग्राफ इस तरह के बनते हैं, वो ये है कि हमने टेस्ट अगर अच्छा नहीं बनाया, हमने जो टेस्ट किया है उन पे, वो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को ढंग से मेज़र नहीं करता है या उसकी वो ढंग से स्कोरिंग सही नहीं है। थर्ड है, ट्रेड बीइंग मेजर्ड इज़ नॉन नॉर्मल। जिस प्रॉपर्टी को आप मेजर कर रहे हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, जैसे डेथ्स इन ओल्ड एज, अर्ली चाइल्डहुड ड्यू टू सर्टेन डिजनरेटिव डिजीज, या इंटरेस्ट, एटीट्यूड, ये ऐसी चीज़ें हैं जिस पे अगर आप करेंगे तो नॉन नॉर्मल ही ग्राफ आएगा।
एरर्स इन कंस्ट्रक्शन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेस्ट, अगर आपने टेस्ट जो किया उसको ढंग से अप्लाई ही नहीं किया, या फिर आपने जो कंस्ट्रक्ट किया है टेस्ट वो वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, तो इस तरह में आपको ये वाले चीज़ें मिलेंगे। फ्रेंड्स अगर आप देखें तो हर एक बुक में आपको ये सब सेक्शंस मिले हैं, प्लीज़ रीड दीज क्वेश्चंस, क्योंकि इनमें से भी आ जाते हैं एग्जाम में। सो अगर आप अच्छे से पढ़ें और ये क्वेश्चंस करते रहें साथ साथ तो अच्छा है, कहीं कुछ के आंसर्स ये पीछे मेंशन करते हैं, कुछ के पीछे आंसर मेंशन नहीं होते हैं, बट सिंस ये पूरा सेक्शन उसी में से है जो हमने थ्योरी में पढ़ा है, सो इट वुड नॉट बी वेरी टफ, इनफैक्ट बिल्कुल भी टफ नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक है मेजरिंग डाइवर्जेंस इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल कर्व। नॉर्मल कर्व में जब डाइवर्जेंस होता है तो आप कैसे मेजर करोगे, अब न्यूमेरिकल सेक्शन आ रहा है। सो दो तरह के मेथड होते हैं, एक होता है ऑब्जर्वेशन मेथड और दूसरा होता है स्टैटिस्टिकल मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड का मतलब होता है जो हमने ग्राफ बनाया है उसको हम देखेंगे कि पॉजिटिव स्क्यूनेस है, नेगेटिव स्क्यूनेस है, लेप्टोकर्टिक है कि मीजोकर्टिक है, कि कौन सा कर्टिक है, सो प्लेटिकर्टिक है। सो अगर आप इस तरह का ग्राफ देख के ही ऑब्जर्व कर रहे हैं सो उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। स्टैटिस्टिकल मेथड में फॉर्मूलेज हैं, जैसे स्क्यूनेस को चेक करने के लिए ये फॉर्मूला है 3 ब्रैकेट में मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब सिग्मा। सो इसका इन्होंने एक और फॉर्मूला दिया है, अगर ये परसेंटेज में हम चेंज कर दें इन वैल्यूज को तो ये होगा P90 माइनस P10 अपॉन 2, इसका इतने का जो आंसर आएगा उसमें से माइनस कर देंगे P50। सो मतलब 50% कितना था, 10% कितना है, 90% कितना है, ऐसे करके। तो स्क्यूनेस जो नॉर्मल वाली होती है वो हमेशा जीरो होती है, अगर इसका आंसर आपका जीरो नहीं आया मतलब डिफेक्ट है, पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव स्क्यूनेस है, नेगेटिव आया तो नेगेटिव स्क्यूनेस है, बहुत इजी है। कर्टोसिस अगर हम मेजर करते हैं, कर्टोसिस मेजर करने के लिए ये फॉर्मूला आपको यूज करना होगा, क्यू अपॉन P90 माइनस P10, ये 90 एंड 10 मतलब ये परसेंटेज में दिया हुआ है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जब न्यूमेरिकल बताऊंगी तो इट विल बी वेरी क्लियर कि ये कैसे करना है। सो यू नीड नॉट टू वरी, यू जस्ट हैव टू सी कि क्या फॉर्मूलेज है और कैसे यूज करना है और किस चीज के फॉर्मूलेज है। सो नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है KU की, वो वैल्यू हमने अभी थोड़ी देर पहले भी देखी थी 0.263 नॉर्मल की है। अगर इससे ज़्यादा आता है तो वो प्लेटिकर्टिक है, इससे कम आता है तो वो लेप्टोकर्टिक है। सो ये न्यूमेरिकल सेक्शन हो गया हमारा इसका। फ्रेंड्स इस चैप्टर का मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन आपको समझा दिया एंड थोड़ा सा न्यूमेरिकल सेक्शन, इसमें और भी न्यूमेरिकल्स हैं जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रिलेटेड ये वाले सेक्शन में। सो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी, सिंस अगर मैं इसमें रिकॉर्ड करूंगी तो दिस वीडियो विल बी टू बिग एंड वेरी बोरिंग ऑल्सो। सो कंसीडरिंग दैट फैक्ट आई वुड लाइक टू मेक अनदर वीडियो फॉर द न्यूमेरिकल सेक्शन। फ्रेंड्स प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, स्प्रेड द वर्ड, प्लीज डू इन्फॉर्म अदर्स अबाउट दिस चैनल। Thank you for watching. Take care. Bye-bye.